दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 247 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारे एपिसोड स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले देखते हैं टेंशन को, जो कि उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर आमिंग और डामिंग रहा करते थे। वही टेंशन उस जगह को देख कर के उस दिन को याद करता है जब आमिंग और डामिंग टेंशन और जिवू को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। इधर टेंशन उस दिन को याद करके इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आमिंग और डामिंग लास्ट टाइम पर टेंशन से रिक्वेस्ट की थी वह किसी भी तरह से जिवू को जिंदा कर दे। इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाते हैं जब आमिंग और डामिंग ने जिवू को ह्यूमन लाइफ देखने के लिए भेजा था। वही वो दोनों जिवू को बेच करके थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। इधर जिवू भी उन दोनों से अलग हो करके इमोशनल फील करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेंशन को ऐसा लगता है कि वो उन सारे मोमेंट्स को महसूस कर सकता है जिसमें आमिंग डामिंग और जिवू एक साथ खेला करते थे। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो करके क्वीन रेंक्सू के एंजल गॉड टेस्ट पर आ जाता है, जहां पर क्वीन रेंक्सू कहती है कि मैं यहां पर तुमसे नहीं हार सकती हूं। तभी यह सुनकर के बिबडोंग अपनी नेक्स्ट अटैक के लिए रेडी होती है, जिस पर हम देखते हैं कि उसके अगले अटैक को देख कर के क्वीन रेंक्सू थोड़ी सी डर जाती है, पर फिर भी वो एंजल गॉड डोमिन शील्ड का इस्तेमाल करके उसकी अटैक को डिपेंड करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब क्वीन रेंक्सू बिबडोंग के इस अटैक के बीच में ही आगे बढ़ती है। तब वो नोटिस करते हैं कि एंजल गॉड की पावर की वजह से उसकी बॉडी तुरंत ही हील हो रही है। वही यह जाने के बाद क्वीन रेंक्सू तुरंत ही एंगल होली स्वॉर्ड अटैक का इस्तेमाल करती है, जो इतना स्ट्रांग होता है कि डोम की डोमिंग को तोड़ करके सीधा उसे हिट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस अटैक से बिबडोंग को हारता हुआ देख करके क्वीन रेंक्सू सोचती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं जानती हूँ कि तुम और मैं बहुत ही करीब है, इसलिए टाइम आने पर मैं हर वो चीज तुमसे ले लूंगा जो मेरी है। तभी एंजल गॉड कहती है कि तुम्हें ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर फिर से दो एंजल गॉड की स्टैचू एक पोर्टल बनाते हैं। तब क्वीन रेंक्सू को उस पोर्टल के अंदर टेंशन दिखाई देता है, जिसके बाद क्वीन रेंक्सू को सब समझ में आ जाता है कि टेंशन उसके दिल के लिए कमजोरी है। इसके बाद वो सोचने लगती है कि टेंशन मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम मेरी दिल का एक कमजोरी हो, क्योंकि तुमने हर वो चीज कुछ ही दिन में बर्बाद कर दी जिसे मार्शल सोल ने 20 सालों से प्लान किया था। इसके बाद हमें क्वीन रेंक्सू का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि क्वीन डलू जब क्वीन रेंक्सू छोटी थी, तब क्वीन डलू एक सीक्रेट प्लान बना करके क्वीन रेंक्सू को टियांडो एम्पायर में बेच देता है, ताकि क्वीन रेंक्सू वहाँ पर टियांडो एम्पायर के फर्स्ट प्रिंस के रूप में काम कर सके और टाइम आने पर एक दिन टियांडो एम्पायर के अंदर से मार्शल सोल एम्पायर को मदद करें। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्वीन रेंक्सू अपनी सोल बोन का इस्तेमाल करके अपना वेश बदल सकती थी, जिसकी वजह से वो टियांडो एम्पायर में आसानी से फर्स्ट प्रिंस के रूप में घुस गई थी। वही उसने टियांडो एम्पायर में कई सारे लोगों को अपना दोस्त बना लिया था और सब कुछ प्लान भी कर लिया था। इधर इस प्लान के अकॉर्डिंग वह एम्परर सुबैंग के अलावा बाकी राजकुमारों को मार चुकी थी। वही लास्ट में उसने एम्परर सुबैंग के फादर को पॉइजन भी दे दिया था। इसके बाद क्वीन रेंक्सू बताते हैं कि एक्चुअल में वह 20 सालों तक टियांडो एम्पायर में वेश बदल करके काम कर रही थी, ताकि एक दिन ऐसा जरूर आएगी जब टियांडो एम्पायर बर्बाद हो जाएगा और मार्शल सोल एम्पायर बुरे कॉन्टिनेंट पर राज करेगा। लेकिन अचानक से इन सारी चीजें के बीच में टेंशन आ गया था, जिसकी वजह से क्वीन रेंक्सू का सारा प्लान बेकार हो गया। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो करके फिर से एंजल गॉड टेस्ट पर आता है, जहां पर क्वीन रेंक्सू कहती है कि टेंशन तुम मेरे दिल की कमजोरी होने के साथ में मेरे लाइफ लॉन्ग अपोनेंट भी हो। और इतना कहते ही आज का हमारे एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना।